बोल गुरु सिंघा जी महाराज की जय। तो प्रथम नमा गुरु अपना न दूजा देव गणे, न तीजा सुमराति न जना सुब्रह्मा विष्णु महेश, गणपति लगा तुम्हारा पान तुम्हारा हो मनमाय, गणपति लगा तुम्हारा पान, अरे हम सुमरा हो मनमाय, गणपति लगा तुम्हारा पान, अरे हम सुमरा हो मनमाय, गणपति लगा तुम्हारा पान, गणपति लगा तुम्हारा पान, गणपति लगा तुम्हारा खजूरी में जन्मिया न गौले घर अवता, न माता गौरा को पय पियो तो हरियो भूमि को भारा, तो मैं तो दुहले बनू तेरा नाथ जी, मैं तो दुहले बनू तेरे I know.
चाचा साहेब मेरा नाथ जी मैं तो दुहल बनू हमारा हिंदुस्तान की भूमि इस बात के साक्षी से जब जब धर्म के हानि पाप को बोझ हिंदुस्तान की भूमि पर बढ़े हमारा संत भक्त महापुरुष न अवतारी पुरुष न जन्म लेना और इस पाप का बोझ को कम पड़े हो। जिस समय हमारा निमाड़ जिला की धरती पर भजन भक्ति के लिए निमाड़ी भाषा में भक्ति को प्रचार करना के लिए संत लोग न की आवश्यकता पड़ी तो नर नारायण पर्वत पर श्रृंगी ऋषि तपस्या करता था। भगवान पारि ब्रह्म श्रृंगी ऋषि के कही रहा कि भैया निमाड़ जिला का लोग न ज्ञान ध्यान को प्रचार करना के लिए आप निमाड़ जिला में चली जाओ। श्रृंगी ऋषि ने कहो भगवान सब मुल्क हिंदुस्तान का अच्छा है पर निमाड़ जिला की धरती का लोग बहुत अधर्मी हुई गई। अगर ये मंदिर में जाए तो पैसों चढ़ाने का बदला वापस खींचा में धर लाओ मंदिर में की घंटी गिरवा रखी तो इनका लिया हमारो जानू या हमका भी कहेगा चौराहा पर बेची आओ। बिल्कुल तो इनका लिया अगर आप मगर निमाड़ जिला में भेजो बराबर तो पांच शर्त हमारी मंजूर कर लो। बिल्कुल पहली शर्त कौन सी? कौन सी? कि सच्चा साहब बनी न सदा भरा सिर का ऊपर अष्टपहर 32 घड़ी पहरो दे जो देनो पड़ेगा। भगवान ने कहा थारी पहली शर्त मंजूर मंजूर छे। दूसरी शर्त कौन सी रखी? कौन सी? कि झीण लगा मूतर नेर पावे तुम्हारी ये कौन सी की ये मन घोड़ा का ऊपर से लगाम कभी ढीली नहीं हो नहीं हो क्योंकि चार पैर का घोड़ा पर से एक्सीडेंट होना पर बराबर डॉक्टर लोग पलिस्टर करे इलाज कर दे। बिल्कुल पर मन घोड़ो अगर बिगड़ी गो अरे तो लक चौरासी जन्म बिगड़ी जाएगा। हाँ। ये मन घोड़ा का कोई डॉक्टर वैद्य सुधारी नहीं सकते सुधारी सकते और ओका बाद अरे मन घोड़ो अगर कभी झीण लगाम हाथ में हो बराबर तो फिर भजन भक्ति करना में आनंद आवे सही बात क्योंकि भगवान यो मन घोड़ो लोग तीरथ वरत जाए बराबर तो शरीर तो गंगा जी में डुबकी लगावे। बिल्कुल और यो मन घर में डुबकी न लगावे सही बात है कि भैंसे दूध दे रही की नहीं पूरे अपारे में रही आवे तो एक लिया अरे ये हमारा मन घोड़ा पर झीण लगाम दीजो दही दे जो। और तीसरी शर्त कौन सी? जम का दूध हमारा शरीर का लेना नहीं आवे नहीं आवे जब हमारी मर्जी होगा इस शरीर का हम स्वयं छोड़ दूंगा। वाह 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 पर लक चौरासी जीव न कर जम का दूध अंत में लेना आवे। बिल्कुल मगर जमराज लेना नहीं आवा सही बात है। भगवान ने कहो अरे सिंगा तुम्हारी सब शर्त न मगर मंजूर छे मंजूर छे पर एक शर्त आरु बते दो कौन सी? निमाड़ जिला में 36 रंग की जात न छे बराबर आपका किस जाति में जन्म लेनु कौन सी जात में जानू? दादा सिंगा जी ने कहो कि भगवान अरे मगर गौलई घराना में जन्म दे दो। वाह 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 भगवान ने कहो भैया ब्राह्मण न में चली जा। हाँ। ब्राह्मण लोग मंत्र धोती लोटी सब करे बिल्कुल पर किसी भी ब्राह्मण को मुक्ति नहीं मिलती आखिरी घड़ी पाखड़ा फूटे क्योंकि ब्राह्मण को मन बस मनी
रहे तो। तो भगवान ने कहो अरे भैया तू क्षत्रिय नम बाबा राजा वंश में चली जा चली जा। तो हमारा संत ने कहो कि राजा लोग बकरा की बलि पहला दे मोटी अठौन अपन किसी जीव की बलि दे तो उस जीव फिर अगला जन्म में अपनी भी देगा बिल्कुल देगा। तो भगवान ने कहो भैया अरे हिंदुस्तान में टाटा बिरला ना की कमी नहीं है नहीं है तू किसी सेठ साहूकार न चली जा बिल्कुल। तो हमारा संत ने कहो कि सेठ लोग अरे कुछ खान पीन में तो शुद्धता रखे बराबर पर सेठ न को व्यवहार शुद्ध नहीं हो तो नहीं नहीं अगर कभी 10 पसुन धर दे तो 100 बिल्कुल और हाँ। आदो जी 3 पाव की शेर भर तराजू करी न कम तोले दूना देवड़ा कर तो एक आली हो अरे आप मका गवले घना नामा भेज दो बिल्कुल। तो उस समय हाँ। पांचे ईश्वर तनों को होप टोली खाली ना वाह भाई वाह हमारा दादा सिंगा जी निमाड़ जिला की भूमि पर कहाँ आया कहाँ आया तो नगर खजूरी में जन्मिया वाह भाई वाह सिंगा गवले का जाया नगर खजूरी में खरगोन जिला की बड़वानी तहसील का बराबर खजूरी ग्राम हाँ। नदी ढेप का किनारा अरे भीमा जी बाबा का वंश में जन्म लियो वा, 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 तो अरे दिल का अंदर विचार करियो कसो कि दुनिया का लोग तो हाँ। किसी भी वक्त पर जन्म ले ले बराबर पर संत लोग ने का जन्म लेना को अरे कोई विशेष समय हो समय रहे हमारा संत ने जन्म किस समय लियो कब लियो दलुबावानों को प्रमाण दियो कि रवि के उदय दरम्यान में सिंगा जन्म धरायो रवि के उदय दर पहली किरण जब उदय हो बराबर तो उस समय हमारा हाँ। संतना भमसाराम में जन्म लियो बिल्कुल कभी सवेरे जन्म लेना को कारण काई काई कारण था आधी रात दोपहर शाम आरु कभी जन्म ले सकता था क्यों नहीं लियो पर सवेरे जन्म लेना को कारण अरे हमारा संत लोग बतावा कि खजूरी ग्राम हाँ। नदी ढेप पर एक धोबी रोज कपड़ा धोतो थो भीमा जी बाबा का पास अरे 750 ढोर धन थो वाह भाई वाह 400 भैंस 350 गाय बराबर इतना ढोर जब नदी ढेप में जाए ना बैठा हाँ। तो पानी एक मील तक रोज गंदो हो जाए ढोलो ही जाए तो अरे धोबी सोचतो थो जी कि गवले दाजी यदि गांव को छोड़ी ने चली जाए बराबर तुम हरो धंधो अच्छो चलो बिल्कुल तय गाली हाँ। काहुर बंगाला की 360 बिरबट विद्या वाह भाई वाह 64 जोगनी अरे 52 भैरू धोबी का सिद्ध था वाह 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 एक दिन विचार करियो कसो कि गवले का ढोर नका ऊपर अरे 2-4 बिरबट की मूठ नका दी चले दो
ते गांव को छोड़ी नहीं चली जाए तो अच्छो हो जाए भागी जाएगा। तो एक आलिया अरे जब धोबी ना मूट न चलाने की तैयारी करी तो धोबे ने कही पति देव पति देव ये गरीब गौले का उफरा मूट न क्यों एक तो गाँव में से हौज भगाड़ी सकू बिल्कुल। धोबी गए की थारा पास काई ऐसी विद्या छे काई छे तो धोबे ने कही की गाँव भर में दायन पना को काम हौज करूँ बराबर 10-20 गाँव में दूसरी कही की दायन है नहीं नहीं है। तो एक आलिया हाँ। जब गौलेन माए घर अरे पूरा दिन चल रहा नवो महीनो बराबर और बच्चों होने को समय आओगा हाँ। तो नालो खाना तो हो जाऊंगा बिल्कुल। तो गर्दन मोड़ी ने बच्चा का पिछवाड़ा फेंकी आऊंगा अरे 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 हमारा दादा सिंगान अरे धोबेन के बाद गर्भ में सुनी दी वाह भाई वाह। सारी इच्छा नालो खाना की छे बराबर पर आसी टेम पर ना आसी जगह पर जन्म लूंगा की तुमको नालो खाना नहीं दे देगा लिए भमसारा में वाह भाई 4 बजे रात को अरे गौर भाई जब थपरुन में कंडा थापना गयी बराबर तो छंदेरा में जय ने जन्म वा, 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 वा। और वार तिथि नक्षत्र कौन सा कौन सा कह नवमी की तिथि और दिन बुधवार न माता की छाती से बाहर पै की है बुधवार नवमी का दिन बराबर बैसाख महीना में पुष्य नक्षत्र पर जन्म लियो बिल्कुल। तो क्या नवमी की तिथि क्यों काई कारण पड़वा दूज छठ आरु कोई तिथि पर जन्म क्यों नहीं लियो क्यों नहीं आया। तो हमारा संत लोग अरे जिस नवमी का दिन जन्म लियो उसी नवमी का रोज समाधि लेना शरीर भी छोड़ियो बिल्कुल। कहने को मतलब कि नौ का पहाड़ा का अगर आप कागज पे लिखो नौ को जोड़ मिलाओ बराबर तो नौ को पहाड़ो घटतो बढ़तो नहीं 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 नौ एकम नौ रहे अरे नौ दोनों 18 लिखो तो फिर 1 न 8 9 बराबर आप 9 3 27 लिखी दो 2 न 7 9 बिल्कुल। आप 9 4 36 लिखो 3 न 6 9 वाह भाई वाह। इन 9 धाम 90 तक 9 को अंक बनेगा 9 ही जाओगे और अरे 6 का पहाड़ा के दिल ले तो कम ज्यादा होगा बराबर। तो एक आलिए हाँ। दुनिया का लोग पड़वा दूज कभी भी जन्म ले बिल्कुल तो उनका कारनामा भी कसार है कसार है। कभी MLA को चुनाव जीती जाए अरे तो सगा भाई से भी फिर ढंग से नहीं बोलते कुछ होगा अहम आई जाए और अगर कभी जरा सा दुख पड़ी जाए तो नौ नौ आंसू रोवाई बिल्कुल। यानी दुनिया का लोग ना का दुख भी बर्दाश्त नहीं है और सुख भी नहीं है पर हमारा संत लोग हाँ। भामगढ़ का राजा साहब को खजानो मिली गो वाह भाई वाह। तो भी किसी से हाँ। कड़क कड़वा बोल नहीं बोलिया नहीं बोलिया और जी जीवती समाधि 40 बरस की उम्र में ले ली तो भी दुखी नहीं हुआ नहीं हुआ। एक लिए नौ का अंक पर जन्म लियो बिल्कुल। माता गौर भाई अरे गोबर की खिड़ी ले ना वाह भाई वाह। जब नवमी का रोज थपरुन में पहुँची बिल्कुल तो मातेश्वरी का प्रसव काल की पीड़ा उठी बराबर घायल हुई ना गौर भाई गिरी पड़ी वाह भाई वाह। वहाँ करिश्मा कौन सो हो कौन सो की सिंगा जी जन्म लियो अरे शुभ घड़ी सिंगा जी जन्म लियो शुभ घड़ी जन्म लियो अरे तो उस समय मातेश्वरी हाँ। घायल हुई न गिरी वाह वाह। और रवि शशि कोट भयो प्रकाशा वाह वाह वाह। करोड़ों सूरज चांद को प्रकाश अरे एक सेकंड के लिए गौर भाई की थपरुन में झलक्यो वाह भाई वाह। पड़ोसे न हाँ। आजू बाजू थपरुन न गौले न कंडा थापती थी बराबर विचार करे कसो गौर भाई की थपरुन में अरे आज इतरो उजालो क्यों छे क्यों हीरो भैया अपन लोग साधारण प्राणी जब दुनिया में जन्म लेवाए बराबर तो अपन लोग अरे एक महीना तक लंबी हाँ। कंट्रोल के लाइन में लगान तब भी अपन का घासलेट नहीं मिलते 3 घंटा काड़ी नहीं मिलती अपना घर नाम पोरे पारी पैदा हो तो भाई ने चिमनी भी नहीं लगाओ सही बात है। पर हमारा संत लोग अरे 10-10 हजार साल तपस्या करता था वाह भाई वाह। तो 1000 वाट के डीपी अरे ब्रह्म तेज लई ने जन्म लेता था साथ ही में लाता था। तो एक लिया रवि शशि को सूरज चांद को उजालो हो वाह भाई वाह। भाई ने जय ने देखियो अरे गौर भाई तो घायल पड़ी बिल्कुल चलो गांव में चला
लावा दो चार बुढ़ी वाली डोकरी न खबले लावा क्योंकि हमारा दादा सिंगा न 500 बरस पहले जन्म लियो थो बराबर। और 500 बरस पहले हिंदुस्तान में इतना अस्पताल नर्स न और डॉक्टर नहीं था। आजकल को जमानो हो तो टेलीफोन लगे न अरे एक एम्बुलेंस बुले लेता दो चार नर्स आई जाती पर वो जमाना में बराबर या तो बुढ़ी वाली डोकरी न थी न तो दायण न बिल्कुल तो पड़ोसे न अरे अपना अपना घर गई न बराबर। और बुढ़ी हरी बाई न का सूचना दी काई कही राज के काई धंधो तुम करो मर सासु भाई बड़ी गजब के बात सासू जी घर धंधा को काम हम कर ले बराबर। गौर भाई अरे बाल आगे जन्म दियो जो घायल पड़ी हाँ। आप जाई ना उनका संभाल लो संभाल ही लो बुढ़ी हरी भाई न अरे पानी को लोटो लियो बराबर। और जी मातेश्वरी गौर भाई का मुंडा पर हाथ फिरायो वाह भाई वाह एक चुल्लू पानी में गौर भाई का होश आई गो बिल्कुल। आजकल के डालडा के भाई ना अगर कभी होती अरे तो चार बाटल न चढ़ती जब होश आओ तो घी भी तो सस्तो छे वो जमाना में अरे जब 12 आना किलो घी थो तो बाटल न और इंजेक्शन कोई खाली लगता था 150 रुपया किलो छे एकर लिए बाटल न की कंपनी सस्ती छे सही बात छे। अब जी हमारा अरे संत की इच्छा थी बराबर कि धोबेन मारो नालो खान न नहीं आओ नहीं आओ तो गवलेन न हाँ। तो पत्थर लेना उनको नालो खान दी दियो वाह 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 और अपना बाल आखा गोदी में लेना बिल्कुल। और अरे जब घर आई न हाँ। तो आजू बाजू के पड़ोसे न बराबर भीमा जी बाबा का यहाँ मंगलाचार गाव है बतासा खाने के आरे हो हालो हाल रो गाऊंगा हालो हाल रो गाऊंगा अरे हाँ हालो हाल रो गाऊंगा हालो हाल रो गाऊंगा अरे हाँ हालो हाल रो गाऊंगा हालो हाल रो गाऊंगा अरे हाँ हालो हाल रो गाऊंगा हालो हाल रो गाऊंगा अरे सिंगा जी झूलो झूलाऊंगा मातेश्वरी ना अरे उनका बालपना का गीत गाई ना बिल्कुल और उनका झूला में झूले थे ना वाह वाह वाह। अब भैया मातेश्वरी गौर भाई अरे बाला का गोदी में रही ना हाँ। और जब उनका सुले थे बराबर तो प्रतिदिन अरे किना प्रकार से गावे गाई गाई राय कि झूलनो बांध्यो हमारी माता गौर दरबार सिंगा जी झूलनो झूले रे झूलना झूले राया ओ
भैया गौर भाई का घर झूलो झूले रहे। जब झूला झूलता 11 दिन को टेम हुई गो बिल्कुल हमारा निमार जिला में। आज भी मातेश्वरी न 11वां दिन बच्चा की जलवायु पूजन बराबर। अब जलवायु भी कोई कोई भाई न घर में दो कलश मड़े न पूजी ले बराबर। कोई कोई भाई न जलवाये कुआ पे जाए न पूजे बराबर। और कोई नदी घाट पर अरे माता गौर भाई हाँ। नदी ढेप का घाट का ऊपर जाए न अरे और काकड़ पर बाला की जलवायु पूजे बिल्कुल। अब जी। दो चार पड़ोसन न हाँ। घर में बैठाड़ी गई बराबर। मेरा बाला का एकलो दुकलो मत छोड़ मत छोड़ जे। और सरी शाम अरे मातेश्वरी जलवायु पूजी रही। वाह भाई वाह। हमारा संत जी झूला में पड़े पड़े एक बात को विचार कर रहा है। कौन सी बात को? कि अगर अरे बाघेन अपना बच्चा का दूध धवाड़े बराबर तो बाघ को बच्चों लाखों में अकेलो दहाड़े बिल्कुल। न कभी बकरी अपना बच्चा का दूध पिलावे अरे तो कुत्रो अगवाड़ा भूखा तो बकरी को बच्चों पिछवाड़े चली जाए। ज्यादा हो तो दीवार कूदी जाए। तो न विचार करियो अरे कि गौर भाई माता का दूध की परीक्षा ले लो बिल्कुल। कभी है न हाँ। शेरनी को दूध धवाड़े होगा वाह भाई वाह। तो न उखंड धरती में गर्दन कथे नहीं झुक नहीं झुक। और यदि न बकरी को दूध पिलाए होगा फिर घर में भराणु दरवाजा के आड़ मत दपड़नो रहो। तो एक लिया अरे उन्ना माता का दूध की आजमाइश करी कसी कि तू कदी सतवंती हो। वाह भाई वाह। तो नदी घाट पर से दूध की धार मारा मुंडा में भेज दे भेजी दे। नहीं तो हम तुको सतवंती नहीं मानू नहीं मानना को। तो जब जी अगर कभी अरे हल्की पतली माता को दूध धायल होता बराबर। आप विचार करो कसो मातेश्वरी जसोदा कौशल्या हाँ। हजारों साल तपस्या करती थी न बिल्कुल। तब उनका अगर राम कृष्ण जैसा अवतारी पुरुष आया आवता था। आजकल का हिंदुस्तान में अरे संत भक्त अवतारी पुरुष न को कारखानों बंद क्यों हुई गई? काई कारण छे भैया जी मातेश्वरी ने जो जन्म देने छे न अरे वो मेकअप करी ना श्री देवी हेमा मालिनी बनी जाना बिल्कुल। उनका अगर कई संत लोग आई रहा उनका अगर अनिल कपूर आओ तो न विचार करियो कसो कि मातेश्वरी को दूध अगर गड़बड़ हुयो बराबर तो ये मख भी अनिल कपूर ज बनाओगा नहीं देगा। तो एक उन्ना दरखास्त लगी काई कही राज भैया जी महारा मुना में दूध की धार आव हाँ। तो तुको सतवंती जानू। वाह भाई वाह। तो जी बाबरे पलना बालो रोदन की छाती से अरे नदी घाट पर से जो दूध की धार चली बराबर तो घर झूला में जाने उनका मुंडा में गिरी बिल्कुल। क्यों हाँ। कि अगर गेहूँ की फसल गहनू हो जी तो समय पर अरे आपको बोनी करनू पड़ेगा पानी देना पड़ेगा बिल्कुल खाद डालनू पड़ेगा बराबर। और यदि गोखरू की बीज वाहनू हो हाँ। तो भादों का गोखरू न का खाद बीज कहीं भी नहीं लगा वो गुच्छा का गुच्छा लगे। हिंदुस्तान में 1 घंटा में 1000 गोखरू रोज पैदा हुए बिल्कुल उनकी कोई कमी नहीं नहीं है। तो भैया जी इन प्रकार से अरे जब दूध की धार चले न बराबर माता का पहलो पतिया रो दियो बिल्कुल। जैसा जरा बड़ा होता जाई रहा बराबर वसा वसा हाँ। मातेश्वरी का एक पतिया रो रोज दे दही रहा। एक दिन उनका मनमासी इच्छा हुई कसी कि माता जसोदा अरे जब त्रिभुवन का नाथ गोकुल में उनकी गोदी में आया उनका नहीं पहचानी सकी बराबर तो गौर भाई मखा का ही पहचानेगा काई पहचानेगा। तो 5 बरस की उम्र उनकी थी बराबर। बच्चा न खेलता खेलता जी अपना असली रूप को माता गौर भाई का परिचय दियो कौन सो कि अरे सिंगा जी मुरली वाला सिंगा जी मुरली वाला अरे सिंगा जी मुरली वाला सिंगा जी मुरली वाला अरे सिंगा जी मुरली वाला सिंगा जी मुरली वाला अरे सिंगा जी मुरली वाला सिंगा जी मुरली वाला अरे वो गौवन का रखवाला
जयंती माला बराबर कृष्ण का रूप हरे जब गौर भाई का दर्शन दिया जी तो भैया हाँ। उस समय गौर भाई थर थर कांपी रही बिल्कुल कि भैया हरे दुनिया का लोग नाम धरेगा हाँ। कि न मालूम हरे कलयुग में गवड़े लगा टापरा में कहाँ को कृष्ण आई गो कहाँ से आई गो कृष्ण तो द्वापर युग में नंद बाबा का घर आया था बराबर तो जी जब शाम का भीमा जी बाबा हरे ढोर धन के लेने घर आया हाँ। तो मातेश्वरी गए जी पति देव आज यो कृष्ण बने हो अरे तो कल जरूर राम और परसों शंकर और कई कई बनतो फिर जरूर बनेगा अपना गवले नम हाँ। भैरु भिलट सामर इतरा देव घूमे अरे तू मेरे को पक्को बंदोबस्त क्यों नहीं कराता दो रोज करार दियो तो भीमा जी बाबा ना बराबर चैत का महीना में हाँ। बड़वा भोपा न बोले न तो भीमा जी बाबा ना जी चैत का महीना में अरे बड़वा भोपा ना का बुले ना हाँ। और देव ना की बैठक बैठाड़ी बराबर और जी साथ में अरे जब हमारा दादा ने देखियो हाँ। कि कलयुग का लोग भी कसा छे कि नकली देव की पूजा करे बिल्कुल और असली की पूजा नहीं करता है। नहीं करता तो न मातेश्वरी का अरे दो शब्द व उपदेश दियो काई कह रहा है कि दो मिनट जरा हमारी बात भी ध्यान से सुन ल बिल्कुल तो कौन सी बात सुनाई काई कह रहा है कि वो साहब जी को ढूंढ ले वाह भाई वाह जिनने काया बनाई वो साहब जी को ढूंढ ले मातेश्वरी अरे जिस पर ब्रह्म परमात्मा ना बराबर ये 3.5 हाथ का मनुष्य देह का पिंडा का घड़े हो जाए बिल्कुल वो परमात्मा की रचना तो देख हाँ। कि एक एक पुर्जा कितना सोची समझी ने लगाया कैसा बनाया दुनिया की कंपनी ना अरे जब ट्रैक्टर बनावे हाँ। तो एक पुर्जो अगर खराब हो बराबर तो दूसरो पुर्जो लगे दे पर परमात्मा ने यो ट्रैक्टर कसो बनायो कि नाक डोला हाथ पैर एक भी पुर्जो यदि एक्सीडेंट में खत्म हो जाए बराबर तो अमेरिका तो का डॉक्टर भी अरे एमें दूसरो पुर्जो नहीं लगे सकता तो एक जी जब अरे ट्रैक्टर पंचर हो बराबर तो मैं दूसरो टायर लगी जाए पर ये कायागढ़ का ट्रैक्टर का तो देखो अरे दो अंगुल की श्वासा के डोर अगर कटी जाए बराबर और जो एक बार पंचर हो जाए बिल्कुल तो अमेरिका तक का मैकेनिक ले आओ हाँ। एमें दूसरो टायर नहीं लगता फिर एक गाड़ी लग सीधो रेवा घाट पर जाए दम लेज मसान घाट पर बिल्कुल अरे माते जी अगर हाँ। बड़वा भोपा नगी पूजा खूब कर रही बराबर तो इनकी महिमा भी सुनी लो काई कही रहा है कि ये बड़वा भोपा अति घना वाह भैया दुनिया ठग कर खाई बड़वा मा
घुमाता वो। अरे बड़वा भोपा तो कलयुग में गंज का घुमाए। बिल्कुल। पन कसा कसा जो कि जी अगर अरे कोई का देव आवतो हो तो लोगों का सामना खड़ा हो जाए। बाबा हमारी भी सुन जो। और बाबो दान बांध दे जी, जा तेरा भंडार भरा रहे। वाह भाई वाह। न देव की ज्वार की कोठी आउंदी पड़ी, उमे सरणो भी नहीं लगेल है। अपना निमाड जिला का आधा बड़वा अरे मालवा न भुआना जास घऊ काटना सोयाबीन काटना। तो भैया जी वो अपना अरे खुद का भंडार नहीं भरी सकता, आहा तो दूसरा को कसो भरू काई भरेगा। तो एक लिए अरे जब माता गौर भाई थर थर कापी रही। बिल्कुल। के बेटा रे अरे तू ऐसी बात मत बोलो, आहा अगर कभी किसी देव धामी को मालूम पड़ी गई बराबर तो खेलना जाएगा, तुको पछोड़ने आने देना कड़कड़ोज कर देगा। तो माता गौर भाई ने गोदी में बैठा लिया अरे और अपना बाला का समझ रही काई कही रही कि बाला रे दूर खेलना माता जावो सिंगाजी मारा लाड़े लाड़े अरे घनी दूर घर से खेलना मत जाजे, आहा क्योंकि अरे धोबी जी कुन्याटी गांव में बसीर हो बराबर वो दुश्मन घात कर देगा। बिल्कुल। चक्री भौरी खेलनू हो तो कहूँ घर में लाई दूंगा। लाई दूंगा एक एक छोड़ दो दो। बिल्कुल। दादा सिंगा जी विचार करे कसो कि माते सुरी का जिस धोबी को डर छे अरे उस धोबी से मिली हूँ हाँ। पर ओका से मिलनू हो कसो कसो हो एक ही तरीको छे कौन सो भीमा जी बाबा अरे कभी नार गाय चराणू मख दे दे बराबर तो इना बहाना नदी ढेप पर धोबी से मिली हूँ मिली हूँ। तो जब हाँ। गोवर्धन का चरावना गया बराबर तो धोबी ना अरे देखियो हाँ। कि भीमा जी बाबा तो अपना ढोरना का एक मील दूर बैठाड़ता था। बिल्कुल। और इन्हें तुम्हारा घाट पर बैठाड़ दिया सही बात है। तो पहली बिरबट की मूठ चलाई दी वाह भाई वाह। दूसरा दिन दूसरी तीसरा दिन तीसरी अरे और चौथा दिन चौथी हाँ। और धोबी की मूठ ऐसी थी कैसी थी कि सुबह जखन लगी जाए बराबर तो दिन आज तो होने का पहले राम नाम सत्य रवाना हुई जातो थो। पर अरे जब धोबी ने 360 मूठ ना सब चलाई दी बराबर तो भी दादा सिंगा जी के जिंदो देखी ना अरे बड़ो आश्चर्य हुई रो चासो मर्दानो सुरो मन नहीं देखियो नहीं देखियो जो 360 मूठ न का खाई गो। वाह भाई वाह। अब दादा सिंगा जी को काम काई थो 360 ही मूठ न का हाँ। घर का पिछवाड़ा जी अखर का पीछे अरे एक डेढ़ मन की सिल्ला का नीचे। वाह भाई वाह। वो लिम्बू की मूठ न का गोलो कर दी। बिल्कुल। अब एक रोज अरे लिम्बाजी भाई की नजर हाँ जब उस पत्थर पर गई बराबर कि यो पत्थर डामा डोल क्यों छे क्यों छे न 10-20 संगी साथी न को बोले ना अरे न उस सिल्ला को ऊंची करी बराबर ओका नीचे एक खिड़ी लिम्बू न का देखी ना हाँ समझीगा अरे कि ये विद्या धोबीज की आये। बिल्कुल। क्योंकि दूसरों कोई गांव में है नहीं कोई जानकार नहीं है तो एक लिया जी माता गौर भाई का सामना जाये ना अरे आँख न आंसू भरी ना हाँ हाथ जोड़ी ना काई बोलिया काई कही राज कि माता वो मानो हमारी तुम या बात खजोरिया पुण छोड़ी देवा हो
अरे तुम्हारी बात का मानी ला बराबर ये खजूरी गाँव अब बड़ो हत्यारो हो तो जाए रो बिल्कुल कोई का प्राण ले लेगा सही बात है। गाँव को छोड़े ना आरू कथे डेरो क्यों नहीं देता भाई हरकत छे। तो उस समय पर जी जब अरे माँ तेसोरी पूछे बेटा ऐसी कौन सी बात हुई गयी बराबर तो अरे बते तो था सही बात है। तो लिम्बाजी भाई ने काई कहो काई कही रहा कि माता वो घाट को धोबी घाट पर को धोबी बराबर रोज की मोट न मार रहे सही बात है। ये दुख मारा कलीजा में लगी रोज लगी रोज। माता गौर भाई ने 360 मूट न के जब देखी बराबर तो आंख नम से आंसू की धार बहना लगी। अरे कि देखो हाँ अगर जी 12 बरस में जी तो सिंगाजी साम्राज्य सो पुत्र गोदी में आयो बिल्कुल क्योंकि आजकल का जमाना में अरे लोग देव न की मान नहीं मानता हाँ हाँ। क्योंकि 100 में से 99 बाई न का तो पोरिया पारी हुई जाए पर 500 बरस पहले अरे हमारा हिंदुस्तान में एक बात की तकलीफ थी। कौन सी बात की? हर परिवार में 12-14 बच्चा होता था बराबर से बुढ़ापा तक दो एक बच्चीगा तो भाग बिल्कुल नहीं तो बाल मृत्यु ज्यादा होती थी। सही बात है। हुई हुई न बच्चा मरी जाए बराबर गौर भाई का अगर 14 बच्चा हुआ वाह भाई वाह 14 नमस्ते बुढ़ापा में अरे केवल 3 बचा कौन कौन सा? सिंगाजी लिम्बाजी बहन कृष्णा भाई वाह भाई वाह 11 नगर नदी घाट पर धरी आई थी बिल्कुल। तो एक भीमा जी बाबा से विनती करी काई कही राज कि पति रे 12 बरस को पुण्य जागियो रे 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 आशा गोरी मसिंगा सांगरद लार हजोरिया पुण्य छोड़ी दे पतिदेव 12 बरस की तपस्या को पुण्य थो बराबर तो सिंगाजी साम्राज्य ने जन्म लियो बिल्कुल क्यों अरे कि आजकल का जमाना में हाँ तो जी 2 या 3 बस बिल्कुल किसी परिवार में 12-13 बच्चा होता नहीं होता और 2 या 3 जी हुईगा बिल्कुल उनका पैदा होते से पोलियो टेटेनस का डोज मिली जाए सब डेबरिया हुई ने डटी रहे तो अब कोई बच्चों हरी झंडी नहीं दे दो तो जी गौर भाई के पतिदेव पतिदेव सिंगाजी साम्राज्य सा देव वंशी पुत्र अरे बार बार नहीं होता है नहीं होता क्योंकि कलयुग में तो ऐसा पुत्र आवाज कसा कि यदि हाँ पढ़े लिखे न माए बाप उनका ऑफिसर बने दे बिल्कुल तो अपना बाप को पहचानो भूली जाए सही बात है नहीं क्योंकि हाँ एक बार एक गवले दाजी अरे अपना लड़का का हाँ पढ़े लिखे न बैरिस्टर बनावा वाह भाई वाह और जब जी लड़को नौकरी लगी जाए अरे तो हाँ एक दिन जी पिताजी उनका क्वार्टर पर मिलना गया बराबर और लड़को अरे अपना यार दोस्त ने की महफिल में मस्त थो वाह भाई वाह वाह रम विस्की शराब की बोतल मुर्गा का टांगड़ा डाइनिंग टेबल पर सजेल था बिल्कुल तो दाजी का बहुत दुख हुयो अरे कि गवलाई घराना में जी रकम चलती नहीं यहाँ तपेला भरिया तो उस समय का ऊपर जी जब अरे गवलाई दाजी हाँ
चौकीदार ने सिखा भैया बैरिस्टर साहब कहाँ छे? कहाँ छे? चौकीदार ने उनको बुड्ढे अरे तुझे क्या काम है? सही बात है, डोकरो कहे के हम उनको बाप आए। ओहो, चौकीदार ने उनको क्या असो बाप? अरे बैरिस्टर दिन में 3 बार लक्ष साबुन से नहावे। अंदाजी असो देखा जसो आखाती बकुन हायल हो। तो एका लिए भैया अरे जब जी चौकीदार ने उनको बुड्ढे भाग जा। हाँ। बैरिस्टर साहब के अभी हाँ। डिनर का टाइम है, अभी खाना खाएंगे। डोकरो जबरन घर का भीतर चली गई। वाह भाई वाह। और अरे जब जी वहाँ पर हाँ उनने महफिल काई देखी। काई देखी 10-20 अंग्रेजी बोलने दोस्त लोग। बिल्कुल वहाँ पर डटेल था, एक बाल कटेल मेम साहब भी डटिया था। उस समय पर डोकरा की इच्छा हुई कि लड़का का डाटा। सही बात है। तो दोस्त ने काई पूछो? काई पूछो अंग्रेजी में। अरे हु आर दिस ओल्ड मैन? वाह भाई वाह। तो बैरिस्टर ने काई कहो? काई कहो माय फादर द फ्रेंड, ये मेरे बाप का दोस्त है। डोकरा का भी जरा जरा अंग्रेजी होती थी। बराबर वो ना। अरे दोस्त ने कहो? हाँ आई एम नॉट हिज फादर द फ्रेंड। वाह भाई वाह। आई एम हिज मदर द फ्रेंड। हाँ की माई को दोष आए। तो सारा जी दोस्त लोग वहाँ से महफिल खाली करी ने चल दिया। वाह भाई वाह। तो भैया कलयुग में बाप का दोस्त बनाने औलाद अरे घर घर आवे। बिल्कुल पर सिंगा जी सम्राट जैसा पुत्र नहीं होता। नहीं होता। तो जब सब चलना की तैयारी कर ली। बराबर धोबी पायना में पड़ी वो। अरे दादा जी हमारा बदला गाँव का मत छोड़ो। मत छोड़ो क्योंकि हमारा संत लोग ऐसा कहे। कैसा कहे? कि कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ। वाह भाई वाह। नव वसुंधरा पुण्यवती च तेना। धन्य हो। कहे की अरे संत जन्म ले। बराबर। तो पिता को कुल तार। वाह वाह वाह। माता को दूध तार। बिल्कुल। और गांव की धरती तार। तारी दे। और रावण जैसो दुष्ट अगर जन्म ले। बराबर। तो पिता को कुल डुबाओ। वाह भाई वाह। माता को दूध ले जाओ। बिल्कुल। और धरती अरे गाँव की हाँ लंका की तरह बदनाम करे। बिल्कुल। तो धोबी कहे की दादा अरे आप ना जो खजूरी का जन्म लेना पावन कर दी। बराबर। खरगोन जिला को उद्धार करो। वाह भाई वाह। ते गली धूबी काई बोलो? काई कही राज। कि खजूरी की बोली हरि मारा साम्रत। खजूरी की बोली हरि खजूरी की धरती का धन्य छे। बराबर जहाँ पर हाँ आपने जन्म लियो एक मत छोड़ो। बिल्कुल। तो दादा सिंगाजी कहे कि भैया रे भैया रे संत लोग जी अगर हाँ कोई धन दौलत को ढेर में मार दे। बिल्कुल। तो उनकी अरे लक्कड़ की जबान पलटती नहीं, नहीं पलटती। दुनिया का लोग ने की जबान चमड़ा की आवाज एक बार हाँ एक घंटा में 100 बार पलटी खाए। बिल्कुल। हमने खजूरी छोड़ने को फैसलो कर लियो जब यो फैसलो बदली नहीं सकते नहीं रहने का। तुखा अगर थारा दिल में यो डर छे अरे कि यो जाति घड़ी पूरे परे उघाड़ा नहीं करी जाए। सही बात छे नी। तो तूने जी महारा संग करियो। बराबर। वो थारा संग कभी नहीं करना। नहीं करना को। नहीं तो संत मा और दुर्जन मा अंतर भी कही। सही बात छे। तो भैया संत लोग कसा आवे? कसा आवे? केरे मन सीता रहो या जग में बयरी कोई नहीं। सीता रहो या जग में बयरी कोई नहीं। अरे बाजा चेता रहो
देखा भैया, अरे दुष्ट न को मन जलतो बलतो आवाज बराबर, उनका संसार में लाखों बैदी बने बिल्कुल, पर संत लोग न को मन तो जल की तरह शीतल आवाज, उनको कोई दुनिया में दुश्मन ही नहीं होता, नहीं होतो फिर थारा संग बुरो क्यों करूं। सही बात है, क्योंकि संत न का बारा में कहल छे काई कहो कि साधु तो मंगल रूप है, वाह भाई वाह, लड़ेगा सोई नी जा साधु तो मंगल रूप है। लोग तो आनंद मंगल स्वरूप कभी किसी से कावो दावो नहीं रखता, नहीं रखता नहीं जी, संत लोग ने से लड़ा जो नीच पुरुष अरे कच्चा फल न की तरह आवा। सही बात है, क्योंकि काची कह रही की कितने भी पकड़ा धरो बराबर तो बठरा ही जाएगा, सड़ी जाएगा, पर पकी हुई ना मीठी नहीं होना की, नहीं होने की, तो कच्चो फल कहीं कभी मीठो हो, आहा। अगर दुष्ट के कितने भी उपदेश दो कहीं सुधरी रो तो उल्टो चले तो गाले भैया, अरे हमारा संत लोग न का बारा में कहल छे काई कहो की साधु की चंदन भावना वाह भाई वाह, जिनके शीतल अंग साधु के चंदन भावना जे के संत लोग हाँ। चंदन की तरह शीतल आवे बिल्कुल, अगर सांप भी लपटेल रहे जी तो सांप का जहर को असर अरे चंदन की खुशबू को कभी नहीं पड़ना, नहीं पड़ना को। और चंदन हाँ। अगर कुल्हाड़ो काटना जाए वो कभी अपनी खुशबू दे दे, दे दे अपना रंग में संत लोग सब नगर रंगी ले, वाह 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 वाह। तो असो कहल जे कसो कि कोई दुनिया में अगर लड़ाई झगड़ो करतो रहे अरे तो लड़ता से टलता भला, वाह भैया, जलता से जल हो या लड़ तेरे डरता मना हरे डरता से जरा हो या लड़ता तेरे डरता मना हरे डरता से जरा हो बीज गिरे रे दरिया में हरे डरता से जरा हो या बीज गिरे रे दरिया में हरे डरता से जरा हो या बीज गिरे रे दरिया में हरे भैया संत लोग
लोग कोई लड़तो रहे तो टाले ही दे, सही बात है, और कोई जलतो बलतो रहे हाँ। तो का सामने जल की तरह शीतल हो जाए बिल्कुल, तो की क्रोध की अग्नि अपना आप शांत हो जाए, सही बात है। क्योंकि बिजली कड़की ने यदि दरियाओं में गिरी जाए हाँ। तो बिजली बुझी जाए बिल्कुल, पर दरियाओं को पानी कहीं तपा नहीं गर्म हो तो जल को कहीं भी नहीं बिगड़तो। वाह अरे धोबी पाए नम पड़ी गो दादा हाँ। धन धन छे वाह भाई वाह। दुनिया के माते सूर्य ने तो कोलसा की खदान न की तरह अरे काला पेड़ा मन न की कावा धावा वाले औलाद न वाड़ा लगाओ, सही बात छे। पर माता गौरबाई ने तो हाँ। हीरा रतन खान की तरह वाह भाई वाह। सिंगा जी हीरा का जन्म दियो जन्म दियो। एकले धोबी कई कई रो कई कई रो अरे गौरा भाई रता न सुझायो गौरा भाई रता न सुझायो अरे माता गौर भाई अरे हीरा रतन की तरह अनमोल पुत्र दुनिया में हाँ। जन्म दियो तू ना अरे क्यों जी के अगर जी हल्को पतलो डरपोक आदमी हो तो 360 धोबी की मूर्ति से डरी जातो, सही बात है। लेकिन जी दादा सिंगा जी क्यों डरता, क्योंकि उनका बारा में कहल छे कि धन धन रे बाघे न का जाया धन धन रे बाघे न का जाया सिंगा अरे तुमने जी बाघेन को दूध धायो बराबर, जो कि दुनिया में नाम की कमाई करेगा बिल्कुल। अब जिस समय का ऊपर हाँ। जब चलने की तैयारी हुई बिल्कुल, और हमारा दादा सिंगा जी जब चलने लगा अरे तो गौर भाई हाँ। खजूरी का काकड़ का ऊपर बराबर गौलेन के कुल देवी अरे जगदम्बा की मूर्ति रखेल थी बिल्कुल। जगदम्बा कालिका की पूजा करना गौर भाई चली वाह भाई वाह। तो गावती बजावती काई कह रही काई कह रही कि तू काली कल्याणी भवानी वो देवी मारी जगदम्बा अरे काली कल्याणी जगदम्बा बनी ना बराबर, और जी खजूरी का काकड़ पर गवले ना को कल्याण करना ही बिल्कुल। काकड़ों छोड़ी दो तब भी महाराज ऊपर कृपा रख जे, सही बात है। क्योंकि तू तो तीन युग में जाहिर रही कौन कौन सा तो सत युग मावरना चंडी का भाई देवी मारे जगदम्बा पूरी असी मई सा सुरहर लायो
अरे पहला युग में सतयुग में रणचंडी बनी ना और महिषासुर दैत्य को नाश करो बिल्कुल। फिर दूसरा युग में कब आई? कब आई तो कहे त्रेता में वो मैया सीता का वाणी। त्रेता युग में तूने सीता को रूप धरियो जी और रावण का कुल को नाश करियो। वाह भाई वाह। तो इस प्रकार से अरे जब जी जाई नना हाँ और जी तीसरो रूप कौन सो लियो द्वापर में। वाह वाह।